नहीं ये कह लिया, रहे उसने भराई जैसे। थी आंखें, हाँ भराई थी बेचारे की। आज एनिवर्सरी भी है आज शु रौनक। हाँ जी मम्मी वगैरह चले गए? हाँ जी चले गए। चल ठीक है, ठीक है, निक्की भी बोरी जा रही है, बाय बाय। और सुबह सुबह जल्दी उठ गए हैं स्कूल जाने के। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस आज सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, 6:30 बज चुके हैं सुबह के, और बस निक्की रौनक बड़े भैया और अमन भैया गए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कहां पर गए थोड़ी देर में। काकू जा चुका है स्कूल, बस हम तैयार हो चुके हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस बस काम कुम करा रहे हैं, ऊपर छत पे थोड़ा सा रह गया था तो मैं घर पे ही था। भैया निक्की रौनक और अमन भैया गए हुए हैं पेवे, मैं आपको बता रहा था सुबह। आज है 14 तारीख, मस्या है, और क्या कहते हैं आशु के लिए वहाँ पर गए हैं गति कराने के लिए, जाते हैं हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र से आ गया है, तो बस इसीलिए मैं गया नहीं। क्यों? मुझे घर पे काम था, घर पे कोई था भी नहीं, और बड़े भैया कह रहे तू घर पे ही रही हो, हम सब जा रहे हैं। वैसे मेन काम निक्की और रौनक का ही था, तो बस मैं घर पे था, काम कुम करवा लिया था सारा, ऊपर प्लम्बर लगा हुआ है, थोड़ा सा काम रह गया था क्योंकि घर पे भी कोई होना ज़रूरी है। तो गाइज रेशमा जी का कमेंट्स आया है कि रेशमा जी ने कमेंट्स किया है कि हम भैया आपके ब्लॉग सारा टाइम देखते हैं, मतलब हर दिन देखते हैं और एक भी दिन मिस नहीं करते, काकू हमें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच रेशमा जी, और इतना आप सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो अपनी फैमिली को, थैंक यू सो मच। ये क्या खोल के बैठ गया काकू? ये क्या मंगाया? हैं? अच्छा जी, मेरे को बिना बताए इन्होंने मंगा लिया सिपर, वाह। हम भी मंगवा सकते हैं ना, सरप्राइज। ठंडा पानी के लिए? ठंडा पानी रहेगा नहीं प्लास्टिक वाला ही? इसमें ठंडा पानी रहेगा नहीं? हाँ ठंडा पानी रहेगा, पर उसको ये चाहिए था ना, मतलब इसी टाइप का चाहिए था, बहुत सिपर है, पर ये वाला स्टाइल लिए ना, हर स्टाइल चाहिए। काकू आज आ गया था जल्दी स्कूल से, और 12:30 बजे आ गया था ना। हाँ टाइम थोड़ा जल्दी आ गया था। तो गाइस बस लंच करने आया था, मंदिर जाना है, दरगाह जाना है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो डॉली ने बोल दिया आपको गुड आफ्टरनून डॉली सुबह। अच्छा सुनो, आपको बड़े भैया का, अमन भैया का किसका फोन आया था? हाँ फोन आया था, वो पहुंच गए हैं भाई, वहाँ से निकलने वाले हैं बस, वो निकल गए। हाँ निकल गए थे, वो निकल गए थे, शायद करनाल थे यार, उन्होंने खाना खुना भी खा लिया था, लंच भी कर लिया था, तो बस वो कह रहे थे हम करनाल हैं, पहुंचने वाले हैं। नहीं यहाँ पे भी आए थे ना भाभी के पास, तो भाभी ने वो बात करवाई थी ना निक्की से भी, वीडियो कॉलिंग, हाँ वीडियो कॉलिंग करी थी ना, तभी गया था। वो उनका नहीं, मेरे पास आया था, भैया का फोन आया था कि हम निकल निकल गए हैं, पहुंचने वाले होंगे, बस ज़्यादा देर का काम नहीं था। और क्या कहते हैं, बस आज निक्की की एनिवर्सरी भी है ना, बेचारी सुबह निक्की का एनिवर्सरी बोला था तो बेचारी का बिल्कुल तभी करके फेस कैम में नहीं लिया, उसने भराई थी आंखें, भराई थी बेचारे की। आज एनिवर्सरी भी है आशु की और निक्की की, और प्लस आज 14 तारीख है, तो बेचारा रो रो के जैसे ही बिल्कुल 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए आशु को पूरे आज, और आज जाना भी ज़रूरी था, पेवे था, मस्या थी, बड़ी वाली मस्या होती है गति कराने के लिए, जो जितनी जल्दी काम निकल जाए, क्योंकि मम्मी की बारी, मैं चले गया था, अमन भैया वगैरह हम सब चले गए थे, हरिद्वार भी निक्की होने के साथ मैं चले गया था, तो आज मुझे घर पे काम था, साथ में घर में कोई था भी नहीं, सबसे मेन बात है घर में कोई था नहीं, था नहीं, फिर भाभी भी जाएगी अभी मंदिर दरगाह, तो कोई बस चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए, तो क्या कहते हैं बस थोड़ा सा प्लम्बर वगैरह भी ऊपर लगे हुए थे, थोड़ा सा काम था, मैंने आपको दिखाया था सुबह, अब काम को वो उनका हो चुका है। तो गाइस मत्था टेक लिया है दरगाह पे, मंदिर पे, अब जा रहे हैं घर। आए हो? मैं तेरे को देख रहा था ऊपर, मैं चाय बना रहा था, चाय पीने, चाय बना रहा हूँ। नहीं अभी अभी रुक के पियूंगी, अभी नहीं, अभी तो फ्रेश होगी, थोड़ा हाथ में हो गया, पूजा वगैरह हो गई सारी, पूजा तो हो गई सारी, सारी पूजा वगैरह हो गई है। चल ठीक है, अब जो काम हो गया ना, मतलब आज मस्या थी, मस्या वाले दिन ही जा सकते, वैसे आगे पीछे तो जा नहीं सकते, तेरे को पता है मम्मी के टाइम भी मस्या वाले दिन ही गए थे। जा तो समझ ना, त्योहार है, हाँ त्योहार को फिर क्या करें, फिर आगे सारे त्योहार लग जाएंगे, तो सही, हाँ सही कहना, टाइम से आओगे, टाइम से आ भी गए हो तुम, है ना। ये है कि अभी शाम को टाइम पे जल्दी, अभी लग रहा था 7:30 बजे, नहीं पिछली बार उल्टा हम गए थे, लेट हो गए थे, जब मम्मी की बारी गए थे ना हम, तो लेट हो गए थे, कब 8 बज गए थे हमें। हाँ नीटू सही गाड़ी चलाता है, नीटू सही गाड़ी चलाता है, गाड़ी से चलाए, गाड़ी में तो मस्त है कि वो तो बहुत, कन्नू भी बहुत अच्छा चलाता है गाड़ी, पर कन्नू भी चला लेते हैं, पर कन्नू की गाड़ी में थोड़ा ये पहाड़ों वगैरह में जाता रहता है ना, फिर ये गाड़ी वगैरह लेके जाता रहता, तो हाथ बहुत साफ,
हाँ साफ है इसका। लंच वंच कराए थे रास्ते में? खाना खुना खाया सब कुछ कराए हो तो सही है। टाइम अभी कितना, 5 भी नहीं बजे हैं। तुम जल्दी आ गए, इतने सुबह निकले थे और क्या, इतनी दूर है भी यहाँ से 250 किलोमीटर के आसपास है, 225। हाँ मतलब 3-4 घंटे लगेंगे पहुँचने। हाँ 4 घंटे में ट्रैफिक जाते हैं बहुत, 11:30-12 जब जाते हो इनका टाइम वो वाला हो गया ना, हमारा खराब हुआ है ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक उस रे वहाँ पे रहता रहता है, मस्से आती ना वहाँ पर भी रश होता होगा। अच्छा उस टाइम एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। फोन आया था तो बोल रहे थे, चल पानी पुनी दे दे, चाय वगैरह, चाय तो दे, चाय बनाओ पीनी है। अब आराम करेगी थोड़ी देर, आराम से हो जाओ, अब थोड़ी देर आए हो, चेहरी सो जाओ बेटे, थोड़ी देर थकावट हो गई है। मैं अभी होके आता था 4-5 घंटे। तो गाइस बस मंदिर में आ गए थे, मत्था टेक चुके थे, काकू जी टेक लिए मत्था। आज भाई भी आया हुआ है, बोरा आज भाई भी आया, भाई जिम नहीं गया, भाई को ठीक नहीं लग रहा था, भाई जिम नहीं गया, वो हमारे साथ मंदिर आ गया है। और हमने मत्था, आपने टेक लिया मत्था, बाकी भगवानों जी को भी टेको मत्था, ठीक है चलो। क्या हो गया, आ गया आपकी सिस्टर का फोन आया था। अच्छा जी ठीक है, आया था, क्या कह रही थी? कुछ नहीं बहन जी, आपकी कह रही थी दीदी, मैं कहा दीदी पूजा में मगन है अभी। अच्छा। और अभी बात करेंगे, घर जाकर बात करेंगे, हो गया घर जाके बात कर लेंगे। हाँ मत्था वगैरह टेक लिया, मंदिर भी बढ़ने वाला है, बस बढ़ा दिया पंडित जी ने, चलो आओ फिर, चलो लेट हो गया, गर्मी कितनी हो गई, पसीना 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 बहुत आता है, किसी को भी नहीं आ रहा आपको? अरे हुमस हो गया बहुत ज्यादा। हाँ जी पेपर कैसे हुआ था? अच्छा हुआ था। अच्छा जी कौन सी क्लास में बैठे थे आज? मैं 5th क्लास में। अच्छा एसी वाली क्लास में बैठे थे, हमारे क्लास में। हाँ 6th क्लास में एसी में है ना तुम्हारे, मैंने एप्लीकेशन 5th में थे तब मेरा 4th में एसी लग गया था, अब हम 6th में गए तो 5th में एसी। यानी कि एक क्लास तुम बढ़ते हो पिछली वाली क्लास में एसी लग जाता है। मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैंने ओके भी किया था जब फॉर्म आया था कि इन बच्चों को एसी की अब रिक्वायरमेंट है, तो हमने तो फॉर्म भर के दिया था भैया, उन्होंने लगाया नहीं, तो अब हम क्या करें बताओ। गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा, बच्चे वगैरह इरीटेट हो जाते हैं पंखे के नीचे बैठे, कोई बात नहीं पंखे के नीचे डालने बैठने की आदत डालो। अब कितना काम हो गया है? मेरा बस 2 चैप्टर हो गए। चल डिनर हो गया ना, देखता हूँ मम्मी ने क्या क्या बनाया, क्या नहीं। मम्मी क्या बना रही थी वैसे? दाल और फ्राई कर रही थी ना कुछ। चल देखता हूँ मम्मी किचन में जाकर। मैडम जी हाँ जी हो गई आपकी, खाना खुना तैयार हो गया, खा दे दो काकू, पढ़ाई कर रहे हैं बस, बस। खाना कह रहे खाना की भूख लग गई यार, चलो बैठो बस, मैं तो गरम कर रही हूँ खाना। क्या क्या बनाया आज? मूंगी मसूर की दाल, दोनों ने फरमाइश की थी चावल पड़े, मम्मा दाल बना दो। अच्छा। और बैंगन 2-4 मैंने लिए थे भर के बनाने, तो डॉली ने बनाई है मूंगी मसरा की दाल और ये बैंगन फ्राई कर दिया थोड़े से, भर के बनाने थे असल में, देर हो रही थी तो मैंने काट के बना दिया, थोड़े से बनाए बैंगन। हाँ तो खाएंगे भी हम दोनों ही तो खाएंगे, बच्चे तो देखते नहीं ना करेला ना बैंगन तोरी, तो नहीं देखते तो है, खाते नहीं है मतलब, भाई देख मुँह में डाला तो देखने का होगा ना क्या फिर उस चीज का। मैं गरम कर दूं ना फिर दाल, सही है दाल तो खा लेते हैं खुश होके ना, चलो आप दे दो उसको डिनर वगैरह। तो गाइस आ रहा है मैच पाकिस्तान और श्रीलंका का, जो जीतेगा वो इंडिया के साथ फाइनल में खेलेगा। गाइस हमने डिनर तो खा लिया और एक सब्सक्राइबर हमारे जिव्यांश, उनको मेरा हेलो, पापा की दुकान पे आए थे, तो जिव्यांश अगर आपका आने का दिल हो तो एक बार मुझे सैटरडे संडे काकू का ऑफ होता है मुझे आप बता देना शॉप पर आकर, और मैं आपको मिलवा दूंगा काकू से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ी सी हो रही है खराश, अरे कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा तो चक्कर है मौसम है ना, एसी में बैठो, अरे एसी में बैठो बाहर, दुकान पे एसी सारा दिन चलता है, बाहर निकलो तो हुमस आ जाती है। हाँ बस गरारे करते हैं, बस गरारे करते हैं, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जा नहीं, इसलिए भी नहीं जा पाया उनके साथ में, और साथ में मेन रीजन वो भी था, और साथ में ऊपर प्लम्बर वगैरह तेरे तो थोड़ा सा काम रह गया था घर में, यार मैं अकेली थी कोई था भी, हाँ घर में कोई था भी नहीं भैया, स्कूल चले गया था, चीना वगैरह थी बस, हाँ चीना वगैरह थी, चले गया तो कोई था ही नहीं, मंदिर जाना था हमें भी जाना था, हम तो रात को जाना था, हमें रात में गए मंदिर तभी करके ना, हाँ घर में कोई ना कोई बंदा चाहिए, हाँ वो तो आ ही गए थे शाम को, चले गए थे जब दरगाह आए तब होकर आए हम, 5 बजे के करीब ही होके आए दरगाह, जब वो 5 बजे तो आ ही गए थे वैसे,
जल्दी कहते जल्दी आ गए, पाँच बजे आ गए थे, जल्दी निकले थे, जल्दी आ गए हैं, जल्दी आ गए थे। तो गाइस इससे के साथ करते हैं हम लोग का एंड, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मिलते हैं आप, करना बिल्कुल मत भूलिए गाइस, प्लीज बाय।